हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी में। जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है RRB स्पेशल क्लासेस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए आज की वीडियो में आपके लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसके इंपॉर्टेंट MCQ की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को बिना किसी देर किए हुए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डियर, पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट ऑफ डिजीज एंड बिफोर अपीरियंस ऑफ द क्लिनिकल साइन नोन एज द, कि किसी डिजीज को कोज करने वाला पॉजिटिव एजेंट जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद में जब वो अपना पहला साइन अपियर करता है, इससे बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं। चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोडोर्मल पीरियड, ऑप्शन बी है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी है प्री क्लिनिक पीरियड, ऑप्शन डी है ससेप्टिबल पीरियड। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोडोर्मल पीरियड क्या होता है। तो प्रोडोर्मल पीरियड का मतलब होता है, डियर, इट इज ए पीरियड बिटवीन डेवलप ऑफ अर्लियर साइन, किसी डिजीज के अर्लियर साइन यानी शुरुआती लक्षण के डेवलप होने से लेकर के टू दी डेवलप ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम डेवलप होने तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल पीरियड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि डिजीज के एजेंट से एंट्री करने से लेकर के उसके फर्स्ट साइन के अपियर होने तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, तो ये तो इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब किसी डिजीज का जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है, वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद में अपना फर्स्ट साइन अपियर करता है, फर्स्ट साइन अपियर, इस बीच के पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये बात सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्री क्लिनिक पीरियड। प्री क्लिनिक पीरियड, इसमें क्या होता है, जब से बॉडी के अंदर जो डिजीज है इसका पॉजिटिव एजेंट एंटर करता है और एजेंट के एंट्री करने के बाद में वो डिजीज हो गई, इसका हमें देखने को मिले क्या, डेफिनेटिव डायग्नोसिस। किसी डिजीज के डेवलप होने के बाद में उसका जो, सॉरी, जब डिजीज को कोच करने वाला एजेंट है उसकी एंट्री होने के बाद में जो उस डिजीज का डेफिनेटिव डायग्नोसिस जब तक हम नहीं करते हैं, इस बीच के पीरियड को बोलते हैं प्री क्लिनिक पीरियड। ये भी क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। ससेप्टिबल पीरियड, ससेप्टिबल का पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जब किसी पर्सन के अंदर जो होस्ट है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट एंट्री कर रहा है, उसके अंदर या तो इम्यूनिटी लो हो गई हो या ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया हो जिसके कारण वो होस्ट के अंदर इजीली इन्वेड कर सकता है, इजीली जा सकता है और अपनी ग्रोथ स्प्रेड कर सकता है, इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबल पीरियड। यानी ऐसा पीरियड जिसके अंदर किसी डिजीज के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसे बोलते हैं ससेप्टिबल पीरियड। तो ये भी इससे रिलेवेंट नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब किसी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है और अपना जो फर्स्ट साइन अपियर करता है, इस बीच के अंदर उसको जो समय लगता है, जो पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, द टाइम इंटरवेल बिटवीन रिसीप्ट ऑफ इन्फेक्शन बाई ए होस्ट एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ दैट होस्ट इज नोन एज। यानी एक होस्ट किसी सॉरी एक एजेंट है जो डिजीज को कोज करता है या इन्फेक्शन है वो किसी पर्सन के अंदर हो गया है और उसकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी लेवल है उस तक को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जनरेशन टाइम, ऑप्शन बी है सीरियल इंटरवल, ऑप्शन सी है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी है सेकेंडरी अटैक रेट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब किसी डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करके अपने जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है इस तक को डेवलप नहीं कर लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्यों? जनरेशन टाइम का मतलब यही होता है कि डिजीज के जनरेट होने का जो समय लगा और
और जब जनरेट कब होगी डिजीज, जब वो होस्ट बॉडी के अंदर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कर देगा, अपना पीक जो इन्फेक्शन कर सकता है वो कर देगा, तब हम बोलेंगे कि इस डिजीज का जो जनरेशन टाइम था वो 24 डेज था, 30 डेज लग गए। तो ये होता है जनरेशन टाइम। इंक्यूबेशन पीरियड का मैंने आपको बता ही दिया। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि फर्स्ट साइन अपियर होने तक का पीरियड जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सेकेंडरी अटैक रेट, जो सेकेंडरी अटैक रेट होती है, इसमें कोई इंफेक्शन होता है वो एक बार होने के बाद में दोबारा से उस होस्ट के अंदर होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। तो ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है, ये भी रिलेवेंट नहीं है। सीरियल इंटरवल का मतलब हो गया कि फर्स्ट जो डिजीज डेवलप हुई थी, इसके बाद में सेकेंड इन्फेक्शन, यानी एक इन्फेक्शन से दूसरे इन्फेक्शन के बीच का पीरियड जो होता है वो होता है सीरियल इंटरवल। की घटना पहले कब घटी थी और अब कब घट रही है, तो इसके बीच का जो पीरियड होगा वो सीरियल इंटरवल होगा, तो इससे रिलेवेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनरेशन टाइम विल बी द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हेल्थ इंडिकेटर्स इन टू ए कम्युनिटी आर कलेक्टेड बाई, की हेल्थ इंडिकेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के अंदर कलेक्ट की जाती है। और हेल्थ इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? हेल्थ इंडिकेटर में आते हैं आपके IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, ये क्या है, डेथ रेट है। दीज ऑल आर दी हेल्थ इंडिकेटर, किसी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ कंडीशन को ये हमें बताते हैं। तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है? ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंसस के थ्रू, ऑप्शन बी बाई SRS बाई, और ऑप्शन सी है बाई ले रिपोर्टिंग, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग। क्या होता है? पॉपुलेशन काउंटिंग। और इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ है कितने साल के ऊपर सेंसस की जाती है? हर 10 साल के ऊपर सेंसस की जाती है, जिसे आप बोलते हैं जनसंख्या गणना। ये हर 10 साल के अंदर की जाती है। तो बिल्कुल साहब, इसके अंदर आपकी जितनी भी फैमिली डिटेल है वो गैदर करता है। यदि आपने देखा होगा तो आपको पता है कि आपकी फैमिली डिटेल गैदर करता है, कितने मेल है कितने फीमेल है, जितना भी रिलेवेंट डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो वो हेल्थ इंडिकेटर को बताता है। SRS, SRS का मतलब क्या हो गया? SRS का मतलब हो गया डियर सैंपल रजिस्ट्रेशन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या हो गया? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें जो भी रिलेवेंट डेटा है, जो बर्थ रेट है डेथ रेट है, उनसे रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इनका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। तो बिल्कुल इसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके थ्रू भी डेटा मिल रहा है। इसके बाद में आता है लेआउट रिपोर्टिंग। लेआउट रिपोर्टिंग का मतलब होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ डियर, समझिएगा कि जो हम जब किसी बेबी का बर्थ होता है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 21 डेज के अंदर अंदर उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो भी हमारी नियर बाई म्यूनसिपलिटी है वहां पे होता है, जो ग्राम पंचायत है वहां पे होता है, और जो सबसे पहले तो हेल्थ सेंटर पे ही हो जाता है, उसके बाद में हम उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं, तो वो बात अलग हो गई। तो इन सब का एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, इसके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तीनों के थ्रू हम जो है हेल्थ इंडिकेटर का पता लगा सकते हैं कि किसी एरिया के अंदर इन्फेंट डेथ कितनी ज्यादा हो रही है, या मैटरनल डेथ कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी बर्थ रेट है, और सेक्स रेशियो क्या है, मेल कितने हैं फीमेल कितने, इन सबका हम डेटा निकाल सकते हैं। और ये डेटा किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड टू द हेल्थ कंडीशन ऑफ डेथ एरिया, जो डिफाइंड एरिया होता है जिसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, तो उस एरिया की जो भी हेल्थ इंडिकेटर उन्हें हम इंडिकेट करता है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज, की हेल्थ स्टेटस को यूनिवर्सली जो एक्सेप्ट करने वाला वो है इंडिकेटर कौन सा है? देर आर सर्टेन इंडिकेटर डेट आर इंडिकेटिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया गया है, वर्ल्ड वाइड इसे यूज करते हैं। ऑप्शन ए है क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी है कैश फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन सी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी है एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। तो क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या होता है
कि किसी एरिया के अंदर 1,000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हुई है एक साल के अंदर या इस गिवन टाइम पीरियड के अंदर। इसे हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। कैश फैटलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि कोई केस है उसकी भयावहता। फैटलिटी का मतलब क्या होता है, भयावहता, यानी वो कितना डेंजरस है, उसके कारण कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसे उस केस की फैटलिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का क्या मतलब हुआ कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट किसे बोलेंगे, जो 1 ईयर तक के बेबी हैं, इनकी जो डेथ रेट होती है इसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है जो कि हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है। कौन करता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। क्रूड डेथ रेट भी नहीं करता है, कैश फर्टिलिटी रेट भी नहीं करता है, और एडल्ट मोर्टिलिटी रेट भी नहीं करता है, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है किसी भी एरिया का हेल्थ स्टेटस जानने को। यदि किसी एरिया के अंदर IMR बिल्कुल ठीक है, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एकदम नॉर्मल है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो MCH केयर यानी मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर है इससे रिलेटेड काम अच्छा हो रहा है, इसलिए जो इन्फेंट डेथ है वो कम हो गई है। लेकिन किसी एरिया की IMR ज़्यादा है, बढ़ चुकी है, तो हमें पता चल जाएगा पुअर हेल्थ कंडीशन। क्या, पुअर हेल्थ कंडीशन। हो सकता है एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो, उनके अंदर जो वहाँ पे जो रहने का तरीका है वो थोड़ा उनका अनहाइजीनिक हो, या उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी पुअर हो, इन सभी का हम पता लगा सकते हैं। या वहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है डियर, ये भी पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर है ये भी इम्प्रॉपर है, ये पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो IMR है वो बढ़ जाएगा, और इससे हमारे उस पर्टिकुलर एरिया का जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में पता चल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज, कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज, की एक डिजीज कितनी भयावह हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। ऑप्शन ए है कैश फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन बी है क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन सी है सर्वाइवल रेट, और ऑप्शन डी है अटैक रेट। अटैक रेट का मतलब होगा कि कोई डिजीज है वो कितने जो एरिया है उसको अटैक कर रही है, उसको जो है अपना जो होस्ट है वो बना रही है। सर्वाइवल रेट है किसी एरिया के अंदर कोई डिजीज कंडीशन हुई, जैसे ये एक डिफाइंड एरिया है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, इसके अंदर कोई डिजीज हुई तो इस डिजीज के होने के बाद में उस एरिया में कितने लोग उससे ठीक हो गए, उससे हील हो गए, उसमें कितने लोगों ने सर्वाइव कर पाए, इसे बोलते हैं सर्वाइवल रेट। क्रूड डेथ रेट मैंने आपको बताया था कि जो डेथ है 1,000 लोगों के ऊपर कितनी होती है, मिडियर पॉपुलेशन से इसको काउंट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए ईयर, एक ईयर के अंदर कितनी डेथ हुई है, और इसके अंदर कर देते हैं हम मिड ईयर पॉपुलेशन। क्या कर देते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,000 से, और इसको जब 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर, तो ये निकल के आ जाती है क्रूड डेथ रेट। लेकिन इसने क्या पूछा है, किलिंग पावर ऑफ डिजीज। तो जो कैश फेटेलिटी रेट है इसका मैंने अभी बताया है कि एक डिजीज ने किसी पर्सन को अफेक्ट किया, या किसी एरिया में कोई डिजीज हुई उसके कारण उस डिजीज की भयावहता कितनी हुई। जैसे COVID-19 का एग्जाम्पल देता हूँ कि जो COVID-19 किसी कम्युनिटी के अंदर हो गया तो उसकी जो किलिंग पावर वो कितनी है, इसे हम बोलते हैं कैश फेटेलिटी रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पेरीनेटल डेथ इंक्लूड्स डेथ ड्यूरिंग, कि जो पेरीनेटल डेथ है इसके अंदर कौन से टाइम ड्यूरेशन की डेथ को हम इंक्लूड करते हैं। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं डियर। ऑप्शन ए है 37th वीक ऑफ जेस्टेशन टू 14 डेज आफ्टर द बर्थ, या 0 to 1 month ऑफ एज। ऑप्शन सी है 0 to 28 डेज ऑफ एज। ऑप्शन डी है 28 वीक ऑफ द जेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर दी बर्थ। तो जो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन है और 14 डेज ऑफ बर्थ है, इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
0 to 1 month ऑफ एज या 0 to 28 days ऑफ मंथ, ये जो होती है डेथ, तो इसे हम बोलते हैं नियोनेट, क्योंकि 0 से 1 month का बेबी होता है, 28 days का बेबी होता है, इसे हम बोलते हैं नियोनेट। तो यदि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर किसी की डेथ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो नियोनेट की डेथ होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसमें बोला है कि 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर बर्थ, तो बिल्कुल जो पेरीनेटल डेथ होती है यानी जो मदर की डेथ है वो कब मानी जाएगी, यदि उसकी डेथ 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर के बर्थ के भी 7 दिन बाद तक हो रही है तो भी हम इसे पेरीनेटल डेथ के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज द 28 वीक ऑफ द जेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर द बर्थ इज नोन एज द पेरीनेटल डेथ। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर इज नोन एज, कि 1 साल में 1000 लाइव बर्थ के ऊपर जो डेथ हो रही है किसकी, इन्फेंट की, कब, अंडर द फर्स्ट 28 डेज, तो इसे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे रखा है, यदि आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ऑप्शन डी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या बोला था मैंने अभी, फर्स्ट 28 डेज का पूछा है, फर्स्ट 28 डेज के बेबी को हम कंसिडर क्या करते हैं, हम इसे कंसिडर करते हैं नियोनेट। नियोनेट कब कंसिडर करते हैं, फर्स्ट 28 डेज, और इसमें भी दो होते हैं, एक होता है अर्ली एक होता है लेट। अर्ली कब करेंगे, अर्ली नियोनेट किसे बोलते हैं, फर्स्ट 7 डेज बेबी, फर्स्ट 7 डेज हम उसे अर्ली नियोनेट बोलते हैं, और उसके बाद में आफ्टर 7 to 28 डेज हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, इसे लेट नियोनेट कंसिडर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें अर्ली लेट नहीं दिया है, हमें ओनली नियोनेट दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोनेट। पेरीनेटल का मैंने अभी आपको बताया कि 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर के जो बर्थ है उसके भी 7 दिन बाद तक होने वाली डेथ को हम कंसिडर करते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में डियर हम फर्स्ट 28 डेज को कंसिडर करेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, रेट नहीं होती है, जो कि 1 लाख के ऊपर काउंट किया जाता है, इसमें जो मदर है उसकी डेथ को इंक्लूड किया जाता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आ जाता है 1 ईयर, यदि जो डेथ होती है इन्फेंट की आप ये यहाँ पे आ जाता अप टू दी 1 ईयर ऑफ एज, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 28 डेज पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डेट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया, कि जो नियोनेटल मोर्बिडिटी है इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, यानी फर्स्ट 28 डेज की बात ये कर रहा है। ऑप्शन ए है डायरियल डिजीज, ऑप्शन बी है बर्थ इंजरीज, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल एनोमली, और ऑप्शन डी है प्री मेच्योरिटी या लो बर्थ वेट। तो मैं आपको बता दूं कि जो नियोनेटल मोर्बिलिटी होती है इसके मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है लो बर्थ वेट बोल दो या प्री मेच्योरिटी बोल दो, क्योंकि यदि प्री मेच्योर बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो वेट है वो भी कम होगा, और ये कितना देखने को मिलता है साहब, ये हमें 43% तक भी देखने को मिलता है, सबसे मतलब 43% जो कोज होता है वो LBW होता है, ये होता है फर्स्ट मोस्ट कॉमन। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या था, बर्थ एक्सपेक्सिया, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाए, ये सेकंड मोस्ट कॉमन होती है, ये होती है बर्थ एक्सपेक्सिया, जो बर्थ एक्सपेक्सिया होता है ये होता है अराउंड 19%, और इसके बाद में आती है थर्ड मोस्ट कॉमन आती है नियोनेटल सेप्सिस, जो नियोनेटल सेप्सिस है ये 13.5 to 40% हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी किसको जाएगी, प्री मेच्योरिटी और लो बर्थ वेट को जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, पहले क्या पूछा था नियोनेट का पूछा था, अब इसने इन्फेंट यानी 1 साल तक के बच्चे का पूछ लिया है, थोड़ा
छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन गलत, सिलेक्शन की दौड़ से बाहर। तो ढंग से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, फिर ये आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसमें पूछा कि सबसे कॉमन कॉज बता दो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का इंडिया के अंदर। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है प्री मेच्योरिटी, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी का जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी ही अभी तक कॉज बना हुआ है, चाहे से बेबी 1 साल का हो गया हो, चाहे से बेबी 28 दिन का हो, प्री मेच्योरिटी जो होता है सबसे मोस्ट कॉज होता है। सेकेंड क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और वहां पे क्या था, वहां पे बर्थ एक्सपेक्सिया था, कहाँ पे, न्यूनेट के अंदर। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है, और प्री मेच्योरिटी से अराउंड 57% देखने को मिलता है, और इसमें 17% देखने को मिलता है, यानी जितने भी केस उनमें 57% प्री मेच्योरिटी के कारण होते हैं और 17% डेथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन है वो होती है डायरिया के कारण। किसके कारण, डायरिया के कारण। और यदि इन्फेंट के बाद में बात करें, यदि बच्चे का पूछ लेता है यानी अंडर 5 का पूछ लेता है, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाता है न्यूमोनिया। फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या आ जाता, न्यूमोनिया। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज द प्री मैच्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अमंग दीज विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू डिक्रीज द IMR, कि इनमें से ऐसा कौन सा इफेक्टिव मेजर है जो कि मोस्ट इफेक्टिव मेजर है, जिसके कारण हम जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है इसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी है बॉटल फीडिंग, ऑप्शन सी है फॉर्मूला फीडिंग, ऑप्शन डी है सप्लीमेंट्री फीडिंग। सप्लीमेंट्री फीडिंग हट जाएगा, फॉर्मूला फीडिंग हट जाएगा, बॉटल फीडिंग हट जाएगा, क्योंकि ये सभी कब की जाती है, ये की जाती है आफ्टर 6 मंथ। और मैंने अभी आपको नियोनेट मोर्टिलिटी रेट बताई, आपको मैंने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बताई, इनके मैंने कोज बताए जिसमें प्री मेच्योर है। प्री मेच्योर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उनकी क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसकी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है उसके अंदर, और भी कोई डिजीज डेवलप हो सकती है, उसकी जो इम्यून पावर है वो भी एकदम सप्रेस है, तो उसके अंदर अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। ये साहब इसकी पैथोफिजियोलॉजी बन गई कि जो IMR है जो होने के मेन कोज मैंने आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन यदि जो प्री मेच्योरिटी सबसे मेन कोज है तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया। तो इन सब से बचने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, क्योंकि मदर का ब्रेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है इम्यूनिटी, वो बच्चे को प्रोवाइड कराएगी इम्यून पावर। इम्यून पावर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, उसको जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। तो ये जो मैंने बताया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इम्यून पावर सेकेंड इन्फेक्शन डेवलपमेंट, इन सब से बचा लेगी, उसके अंदर इम्यून पावर डेवलप हो जाएगा, जो इम्यूनोग्लोबिन होती है IgA ये भी उसको मिलेगी, जिससे उसकी जो इम्यून पावर है वो बूस्ट होगी और उसकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर है वो भी बूस्ट होगी। तो वो बेबी को हम बचा सकते हैं किससे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से। तो डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग। कि साहब जो ब्रेस्ट फीडिंग है यही एकमात्र रामबाण उपाय है हमारे पास में, जिससे हम बच्चे को IMR से बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IMR। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, कि अंडर 5 ईयर जो बच्चे हैं इनकी डेथ का सबसे मेन जो कॉज होता है, मेजर कॉज क्या होता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है डायरिया, ऑप्शन डी है मीजल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया इज द मेजर कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी इन इंडिया इज कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, यानी इनमें से कौन सी मोर्टेलिटी है जो इंडिया के अंदर होती है जो मैटरनल डेथ को कॉज करती है। ऑप्शन ए है ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, ऑप्शन बी है अनीमिया, ऑप्शन सी है अबॉर्शन या सेप्टिसीमिया, और ऑप्शन डी है
ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो डियर मैंने बताया था कि जो मदर है इसके भी इंडिया के अंदर जो डेथ है इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं और मॉर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीज होती है। मॉर्बिडिटी आ जाती तो अनीमिया इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसका सबसे मेन कोज क्या है। तो जो हेमरेज होता है डियर, हेमरेज जो है इसके कारण अराउंड 38 to 40% डेथ होती है मदर की इंडिया के अंदर। इसके बाद में जो हेमरेज हो गया, हेमरेज के बाद में क्या डेवलप होगा? सेप्सिस, जिसके कारण से अराउंड 11% डेथ होती है। और उसके अंदर मान लो कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो हो, या पहले से उसके अंदर हाइपरटेंशन हो, तो उसके अंदर डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं 5%। तो ये तीन मेन कोज होते हैं जो कोज करते हैं मैटरनल डेथ को, कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, तो बिल्कुल साहब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी का कोज होता है, यानी फीमेल के अंदर होने वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या बीमारी या डिजीज वो कौन सी होती है? वो होती है अनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा है? मॉर्टेलिटी, तो मॉर्टेलिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेथ, तो डेथ के हिसाब से क्या हो जाएगा? हेमरेज। और हेमरेज में ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए के अंदर की ऑब्स्टेटिक हेमरेज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है, मॉर्टेलिटी मतलब होती है डेथ, और मॉर्बिडिटी एक एक वर्ड में समझना है, ज्यादा हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसको आपसे समझना है डिजीज। ये दो वर्ड के अंदर डिफरेंस कर लेना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी होती है मदर के अंदर। सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अनीमिया, ऑप्शन बी है अबॉर्शन, ऑप्शन सी है हेमरेज, और ऑप्शन डी है सेप्सिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बता कर रहा हूँ अनीमिया, कि अनीमिया सबसे कॉमन कॉज है मैटरनल मॉर्बिडिटी का इंडिया के अंदर। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, नॉट ओनली इन इंडिया, यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है, यानी 100% जो प्रेग्नेंट वीमेन है, इनमें से 45% जो लेडी है इनके अंदर अनीमिया डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी होती है, मैटरनल मॉर्बिडिटी बोल दो या मॉर्बिडिटी बोल दो मदर के अंदर, वो होती है अनीमिया। इसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम उसे खिलाते हैं आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट। और जो आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट है, इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है और फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इससे प्रिवेंट करेगा, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और जो आयरन है डियर, ये उसके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को बचाने में हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज द अनीमिया। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज टू प्रोवाइड। पहले बच्चे के बारे में था कि आईएमआर को कम करने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। यहाँ पे ये पूछ ले कि एमएमआर को कम करने के लिए हम कौन से तरीके अपना सकते हैं। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मोर ट्रेन डाइज, ऑप्शन बी है बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरी, ऑप्शन सी है एंटीनेटल केयर, ऑप्शन डी है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। सारे ऑप्शन ठीक हैं, सही है, लेकिन इसमें हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब सारे ऑप्शन ठीक होते हैं तो हमें एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बात करते हैं एक की, मोर ट्रेन डाइज। डाइज जो होती है वो लोकल विलेज के अंदर जो हेल्थ गाइड होती है, जो ट्रेंड होती है, उनको और भी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। यदि हम ये करवाएंगे तो जाहिर सी बात है मैटरनल जो मोर्टिलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी सही बात है। बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरी, ये भी सही बात है। एंटीनेटल केयर, ये भी सही बात है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ये भी सही बात है। अब आंसर क्या होगा? आप कंफ्यूज होंगे, सारे सही बात है तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीनेटल केयर। क्यों? क्योंकि एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करता है, यहाँ पे शुरुआत तभी से हो जाती है जब कंसेप्शन होता है, उसी टाइम से इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस लेडीज के अंदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका
ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसकी जो डेथ है उसको होने से बचा सकते हैं। तो एंटीनेटल केयर तो साहब, हम जब उस लेडी ने कंसेप्शन किया, बेबी कंसीव किया, तभी से शुरू कर दी। दाई कब आएगी? दाई का काम है लेबर के टाइम पे, जब लेबर होगा उस टाइम पे आएगी। बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरी, ये भी लेबर की डिलीवरी की बात कर रहा है, और फैमिली वेलफेयर सर्विस है जिसे भी हम मानेंगे, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन जब तक हमने एंटीनेटल केयर ही प्रोवाइड नहीं कराई, तो हम उसके अंदर मान लो कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तो हम जब उसकी एंटीनेटल केयर करेंगे, हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, तभी हमें उसकी प्रॉब्लम का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। हमें शुरुआती जब लक्षण पता चल जाते हैं तो हम उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। और यदि कोई लेडी है जो हाई रिस्क मदर है, तो उसको भी हम एंटीनेटल केयर के अंदर ही तो डायग्नोस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक इसकी केयर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम इसकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं। कैसे? यदि कोई मदर है, उसका आपने बीपी चेक किया, उसका बीपी बार बार 140/19 से अबोव आ रहा है, तो आप उसे हाई रिस्क मदर की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे, और उसे आप बोलेंगे कि आपको जो सिविल हॉस्पिटल है या अच्छे हॉस्पिटल है वहां पे आप उसे रेफर कर देते हैं, तो उसको एक बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल जाएगी डिलीवरी के लिए। तो इसके बाद की बात है, ये तो तब मिलेगी जब आप उसको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराएंगे, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीनेटल केयर। चार एंटीनेटल केयर तो आपको प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। कब करवानी है? 12th वीक पे करवानी है, 20 वीक पे करवानी है, 32 वीक पे करवानी है, और 36 वीक पे करवानी होती है। और इसमें से बोलेंगे कि जो थर्ड है, इसको आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ही देखवाना चाहिए। आपको उसको रेफर करना चाहिए, उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको ये गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास जाके विजिट करवानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से और भी स्क्रीनिंग कर ले और आपको पता चल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीनेटल केयर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल इवेंट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, की इनमें से कौन सा वाइटल इवेंट है जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है बर्थ रेट, ऑप्शन बी है डेथ रेट, ऑप्शन सी है माइग्रेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, अ पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो ये कौन से वाइटल इवेंट्स है? बर्थ रेट, यदि बर्थ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। क्या होगा डियर? पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। और यदि ये ही बर्थ रेट कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। तो बर्थ रेट तो इफेक्ट कर रही है साहब। डेथ रेट, यदि किसी एरिया के अंदर डेथ रेट बढ़ेगी तो उस एरिया की पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और यदि किसी एरिया की डेथ रेट कम हो जाएगी तो उस एरिया की पॉपुलेशन है जो बढ़ जाएगी, तो ये भी उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से जो पॉपुलेशन है वो दूसरी जगह पे जा रही है। तो यदि किसी एरिया की पॉपुलेशन है, जैसे ये कोई जगह है, ये जो जगह है ए है और ये जगह है इसका है बी, तो ए की पॉपुलेशन बी में जाके शिफ्ट हो गई, तो यहाँ की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? यहाँ की पॉपुलेशन हो गई कम, और बी के अंदर जाके बस गए ये लोग, तो यहाँ की पॉपुलेशन को इन्होंने बढ़ा दिया, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट किया है। तो बर्थ रेट से भी पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट होगी, डेथ रेट से भी पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट होगी, और माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल इवेंट अफेक्ट दी पॉपुलेशन ग्रोथ, की इनमें से, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वारंटीन इज रिलेटेड टू, कि जो क्वारंटीन है इसका मतलब क्या होता है? ये कोविड के अंदर आपने काफी सुना होगा, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं कि जो क्वारंटीन इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सी सीरियल इंटरवल, और ऑप्शन डी जनरेशन टाइम। सीरियल इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताया, जनरेशन टाइम के बारे में बताया, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया। तो क्वारंटीन कब तक करते हैं? तो किसी भी डिजीज के मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक उसे क्वारंटीन किया जाता है। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? उस पर्सन को हम कर देते हैं सेपरेट, सेपरेशन ऑफ ए पर्सन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, ससेप्टिबल
होस्ट किसी डिजीज के डेवलप होने के लिए ऐसा पर्सन जो कि सबसे ज्यादा उसके अंदर उस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं उसको सेपरेट कर देना। कब तक? मैक्सिमम इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेट डिजीज की, जो डिजीज है जो डेवलप होने के चांसेज है उसके मैक्सिमम इनक्यूबेशन पीरियड तक यदि हम उस पर्सन को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे कोई डिजीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन तक, वो डिजीज जो है जब होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करते तुरंत इंफेक्शन नहीं कर पाएगा, वो कब करेगा, या तो दूसरे दिन करेगा या उसको 7 दिन भी लग सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना हो गया, 7, और मिनिमम इंक्यूबेशन हो गया 2। तो यदि हम इसको मैक्सिमम टाइम तक यदि हम इसे क्वारंटीन कर देंगे, इसे सेपरेट कर देंगे, तो 7 दिन के अंदर इसके अंदर क्या है, उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें अपियर हो जाएंगे, और इसके दौरान वो जो दूसरे लोगों को जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा। ये जब अलग से रहेगा और हमें इसके जब सिम्टम है वो 7 दिन में अपेयर हो जाएंगे। यदि सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं तो हम इसे आइसोलेट कर देंगे, और यदि सिम्टम अपेयर नहीं होते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये जो डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे बाद में नॉर्मल हटा देंगे क्वारंटीन से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वारंटीन। और क्वारंटीन किससे रिलेटेड होता है, क्वारंटीन इंक्यूबेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज इन अ कम्युनिटी देन दी एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेज ऑफ प्रीवियस इज कॉल्ड, कि किसी कम्युनिटी के अंदर 1 साल के अंदर किसी भी बीमारी के 50 केस आ रहे होते हैं। जैसे 2023 के अंदर मलेरिया के जो केस थे इस कम्युनिटी में थे 50, और 2024 के अंदर मार्च के अंदर ही मान लो इसमें जो केस है ये हो गए 500, और 500 से हो गए 5000। तो ये अचानक से उस डिजीज का क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ, ये ज्यादा फैल गई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है एपिडेमिक, ऑप्शन बी है पेंडेमिक, ऑप्शन सी है स्पोरेडिक, और ऑप्शन डी एंडेमिक। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, सडन आउटब्रेक होना किसी डिजीज का किसी कम्युनिटी के अंदर देन दी एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी हमने कितना एक्सपेक्ट किया था कि 500 केस के आसपास जो केस है मलेरिया के हर साल हमें देखने को मिलते हैं, तो हम 500 केस ही एक्सपेक्ट करके रखते हैं, लेकिन 2024 के अंदर मार्च में ये केस हो गए 5000। तो इनका अचानक से आउटब्रेक हुआ, ये 10 गुना ज्यादा हमें स्प्रेड इसका देखने को मिला, तेजी से इसका फैलना हमें देखने को मिला, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिडेमिक। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज विच आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, कि कोई डिजीज है जो किसी एरिया के अंदर लगातार प्रेजेंट, लगातार बनी हुई है, इसे हम क्या बोलेंगे। तो कोई डिजीज है जैसे गोइटर है, ये है किसी एरिया के अंदर लगातार, यानी कम मात्रा में है लेकिन इसके केस आते रहते हैं लगातार, ये बहुत दिनों से बहुत सालों से उस एरिया के अंदर बनी हुई है। इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो जो हिमालय एरिया है, जो हिमालयन रेंज है, वहां पे गोइटर के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, उन लोगों के अंदर गोइटर देखने को मिलता है, उस बेल्ट के अंदर गोइटर प्रेजेंट है, और वो लगातार प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे इंडिया की बात करें हिमालयन बेल्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे एंडेमिक बोलेंगे, एंडेमिक नहीं बोलेंगे, एंडेमिक तो होता है सडन आउटब्रेक, पेंडेमिक पेंडेमिक भी नहीं बोलेंगे, जूनोटिक जूनोटिक भी नहीं बोलेंगे। जूनोटिक तो जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर होने वाली डिजीज को जूनोटिक बोलते हैं, और एपिडेमिक तो रियल में इसे क्या बोलते हैं, हम एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं, कि ये यहाँ पे एपिडेमिक है, ये कम मात्रा में है लेकिन लगातार बनी हुई है, इसके केस लगातार हमें देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो एक लिमिटेड नंबर है, इसे हम बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ दी पीपुल, कि किसी बीमारी का
पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी कवर कर ले और एक लार्ज नंबर को अफेक्ट करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे। तो एंडेमिक मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था, सॉरी इसको एपिडेमिक नहीं बोलते, इसे एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है सडन स्प्रेड होना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि कॉन्स्टेंटली कोई डिजीज प्रेजेंट है इसे हम एंडेमिक बोलेंगे, और यदि कोई डिजीज सडन आउटब्रेक हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपिडेमिक उस कम्युनिटी के अंदर। और जब ये एपिडेमिक है, ये इस कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में फैला, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इसने तबाही मचाई, फिर दूसरी जगह जाके फैला, यानी इसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पैंडेमिक। क्या बोल देते हैं डियर, इसे हम बोल देते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब क्या हो गया, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अकरेंस, कोई डिजीज के अकरेंस है उसका सडन आउटब्रेक हो जाता है एक वाइड एरिया में, और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी अफेक्ट कर लेता है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं पैनडेमिक। कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड चाइना के अंदर देखने को मिला, पहले ये चाइना के अंदर स्प्रेड हुआ, तो चाइना के अंदर क्या था, चाइना के अंदर था ये एपिडेमिक, लेकिन ये ही एपिडेमिक जब डेंजरस हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पैंडेमिक के अंदर, किसमें, पैंडेमिक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये क्या हुआ, चाइना से पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पैंडेमिक। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है। ऐसे ही लगातार डेली बेसिस पे आपको हमारी अपकमिंग क्लासेस देखने को मिलेगी, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, और हमारे जो चैनल नर्सिंग डिग्निटी है इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।